हाय, मैं उसी गुंजन राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के YouTube चैनल पे। आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी आपको किसी को पैसे देने होते हैं तो आप अपनी जान पहचान वाले लोगों को ही देते हो या फिर कोई भी सडनली मिस्टर ए मिस्टर बी आ गया, मांग लिया आपसे पैसे और आप उसे दे दोगे? आप उसी को देते हो जिसके बारे में आप जो पूरी डिटेल से आप उसका जो बैकग्राउंड है वो जानते हो और आपको ये उम्मीद होती है कि हमारे पैसे जो है वो इसके पास सेफ है, दिए हैं तो हमें वापस से मिल भी जाएंगे। तो यही चीज म्यूचुअल फंड में भी तो अप्लाई होती है। आप जब अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, आप अपना जो पैसा है, जो आपकी जमा पूंजी, आप उन्हें देते हैं इस उम्मीद से कि वो आपको बेहतर रिटर्न्स कमा के देंगे आपके पैसे पे, तो क्या आपको ये नहीं जानना चाहिए कि आपकी जो वो म्यूचुअल फंड है वो इतना कैपेबल भी है या नहीं? आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता करना चाहिए? आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको आखिर किस तरीके से पता चलेगा कि कौन से जो म्यूचुअल फंड से वो आप के लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट होता है एएमसी और उसकी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसके बारे में नॉलेज। मतलब कि आपको ये देखना है कि जो एएमसी है, एएमसी मतलब होता है म्यूचुअल फंड हाउसेस, जैसे कि एचडीएफसी एक म्यूचुअल फंड हाउस है, वो एक एएमसी है और उसी के अंडर जो काफी सारे म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है वो अलग अलग कैटेगरी में वो लॉन्च करता है। वैसी तरीके से नेपॉन जो है वो भी एक तरीके का एएमसी है। तो आपको सबसे पहले जो उसकी स्कीम्स के बारे में देखना है कि एक कोई भी एक म्यूचुअल फंड हाउस की जो स्कीम्स है वो किस तरीके का मार्केट में परफॉर्म करती है। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक स्कीम जो है वो सामने आया है। ऐसे में ये काफी इम्पोर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर रिसर्च के साथ ही किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस की जो स्कीम है उसमें निवेश करें। साथ ही जिस भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू निवेश करते हैं वहाँ पे एक फंड मैनेजर का नाम भी दिया होता है। आप देखें कि वो मैनेजर जो है वो कितना सक्षम है आपके पैसों को अच्छे से निवेश करने में। आप देखें कि उस मैनेजर ने पहले किस किस स्कीम्स को संभाला है, किस किस स्कीम्स में मैनेज किया है उसने, और साथ ही उसने अपनी प्रीवियस स्कीम्स के थ्रू कितना रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले आप ये अच्छे से चेक कर लें कि जो एएमसी है और साथ ही जो फंड मैनेजर है उनकी आपकी पास हिस्ट्री क्या रही है। तो ये आपके लिए हो गया फर्स्ट पॉइंट जो आपको जरूर से चेक करना चाहिए। अब बात करें आपके सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट बोलता है रिटर्न्स के बारे में। देखो रिटर्न्स में ना क्या होता है कि आपको रोलिंग रिटर्न्स चेक करना है। रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है, मतलब कि आप कोई भी सपोज 5 इयर्स का पीरियड ले लो, तो 2015 से लेकर 20 के बीच में क्या रिटर्न रहा है, 2016 से लेकर 2021 के बीच में क्या रिटर्न रहा है, 2017 से 2022 के बीच में क्या रिटर्न रहा है, मतलब कि 5 इयर्स का आपको हर ईयर टू ईयर बेसिस पे इस तरीके से आपको चेक करना है। क्योंकि क्या होता है कि सपोज आप सिर्फ 5 ईयर का सिर्फ 16 से लेकर 21 तक के बीच में चेक कर लो। अब सपोज हो सकता है कि उस वक्त तो म्यूचुअल फंड ने जो है वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर लिया हो, क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो वो म्यूचुअल फंड जो है उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिखती है, बट वाकई में वो अच्छी है या नहीं है। और साथ ही वो जो रोलिंग रिटर्न्स हो वो पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल इस तरीके से होने चाहिए, ना कि सिर्फ पिछले 1 साल के, 2 साल के इस तरीके से। मतलब कि आज अगर आप 2022 में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये देखें कि 2021 में उस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है। हो सकता है उस वक्त उसने जो सेक्टर में निवेश किया हो उस वक्त वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर गया हो, बट ये चीज हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के रिटर्न्स चेक करने हैं, ना कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम के कि अगर 2021 में अगर उसने अच्छे से रिटर्न दिया है तो इट मीन्स आप एज्यूम कर लो कि आगे भी आपको जो है वो बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो ये होगी बात रिटर्न्स की, जहाँ पे आपने समझा कि किस तरीके से आपको कुछ सालों के जो रोलिंग रिटर्न्स है वो चेक करने होते हैं। अब बात करें तीसरा कि डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपने पैसे किसी म्यूचुअल फंड को देते हो तो वो वही जो पैसे होते हैं उनको आगे स्टॉक्स खरीदने में या फिर डेट वगैरह में वहाँ पे निवेश करता है। अब अगर सपोज वो किसी की इक्विटी में निवेश कर रहा है तो आपको देखना है कि वो जो कंपनी से वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाली है या नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई भी म्यूचुअल फंड है वो पर्टिकुलर एक सेक्टर में वेट लगा रहा हो। सपोज कि अगर उसे उम्मीद हो कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करने वाला हो, आपके जो ज़्यादा
पैसे हैं वो वहीं डाल दें। इस तरीके से काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा अगर उसका बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं हुआ तो। ऐसे में आपको ये चीज अच्छे से मेक श्योर करनी है कि ऐसा म्यूचुअल फंड आप चुने जिसका कि डाइवर्सिफाइड बैलेंस पोर्टफोलियो हो। अब बात करते हैं लास्ट एक्सपेंस रेशियो की। हर एक म्यूचुअल फंड के कुछ अपने एक्सपेंस रेशियो अलग अलग हो सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि वो आपसे लेती है एज अ फीस। मतलब कि उसने अपने जो कुछ एक्सपेंस है वो इनकर करे होंगे, एडवर्टाइजिंग करने में, मैनेजमेंट की फीस में, रिसर्च करने में, तो वो जो सारे एक्सपेंस है वो आप ही लोगों से तो बियर करेगी, तो उसी को आप एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो आपको चेक करना है कि एक्सपेंस रेशियो किस म्यूचुअल फंड का कम है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स आपको जो है वो प्रीफर करने हैं। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जो कि आपको अपने ध्यान में रखने हैं कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम। तो उम्मीद है आपको जो ये जानकारी है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करना इस वीडियो को और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्योंकि जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी की अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक CA हो, स्टॉक ब्रोकर हो, LIC एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पेआउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे आपको मिलेगा 1000 रुपीज का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।